उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सीएम योगी रैली को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे इस रैली में लिए चलते हैं। माध्यम से गांव गांव में पेयजल की स्कीम भी आपके जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। कोई सोचता था सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन भाइयों बहनों अब तो आपके सोनभद्र जिले में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज उसका शिलान्यास भी हमने कर दिया है। मंच पर आने के पहले मैं अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ इसी कार्यक्रम को संपन्न कर रहा था, और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं कि जो कभी आपके पूर्वजों ने सोचा होगा कि लखनऊ में पीजीआई और केजीएमयू की तर्ज पर एक मेडिकल कॉलेज अगर सोनभद्र में भी होता तो यहां के लोगों को बीमारी के समय में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अब वह सपना भी साकार कर दिया है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका आशीर्वाद और अनुकंपा मिलती है, और प्रदेश सरकार जब सहयोगी बनती है, दोनों एक पार्टी और एक विचारधारा की सरकार जब साथ कार्य करती है तो डबल इंजन की सरकार डबल कार्य और कई गुना कार्य की सौगात भी जनता को देती है। चाहे वह हर घर नल योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा घर घर तक पहुंचाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, या मेडिकल कॉलेज आपके सोनभद्र में ही बनकर के जनपद सोनभद्र वासियों को, और सोनभद्र वासी ही नहीं बल्कि विधायक चेरो तो मुझसे कह रहे थे कि क्या मैं अपने बिहार के साथियों का भी उपचार करा पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, जिनको भी आप लाना चाहेंगे, आप चाहें तो नेपाल से भी उपचार कराने के लिए यहां पे लेके आ जाना। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का आधार बनता है। हम लगभग 300 करोड़ रुपए देंगे यहां पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल की क्षमता को 500 बेडेड हॉस्पिटल भी यहां पर बनेगा, अत्याधुनिक सुविधाएं आएंगी। सोनभद्र के नौजवानों के लिए, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए यहां पर मेडिकल की सुविधा, पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्होंने उन्हें देश के अंदर कहीं भटकना ना पड़े, इसी जनपद में उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं इस जनविश्वास यात्रा को लेकर के। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे। इस सोनभद्र में भी दंगे हुए थे, जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था, नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी, रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था, कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है, कोरोना को भी इतना प्रभावी अंकुश लगाया गया है कि दीपावली आपने आनंद के साथ मनाई, विजयादशमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया गया, रामलीलाओं के आयोजन हुए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। और यही नहीं, अभी आपने देखा होगा पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर साफ है, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है, पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पिछली सरकार
कांवड़ यात्रा पे रोक लगाती थी और वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण कराती है और उससे जुड़े हुए श्रमिकों पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने दो दो बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। पिछली सरकार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करती थी, वर्तमान सरकार मेडिकल कॉलेज हर जनपद में बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी, इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, जब सरकार संवेदनशील होती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए आती है, तो जन विश्वास यात्रा का आनंद भी उसी को आता है। जन विश्वास यात्रा में 19 दिसंबर से आज चौथा दिन है, जिस प्रकार का जनसैलाब उमड़ रहा है, हजारों और लाखों की संख्या में जनता जनार्दन का आशीर्वाद 6 यात्राओं को पूरे प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, ये पिछली सरकारों की अराजकता का जवाब जनता जनार्दन के समर्थन से दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं और भाइयों बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सही सरकार जब आती है तो योजनाओं को भी आपके लिए सौगात लेकर के आती है। आज हर गरीब को मिलने वाली सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधाएं, बिजली हो, अच्छी सड़क हो, स्कूल हो, आईटीआई हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, या फिर मिलने वाली वे सुविधाएं, चाहे वह अन्न योजना हो, फ्री में टेस्ट की सुविधा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो, या फिर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन की सुविधा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।